हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह और आज हम बात करने वाले हैं वो सबसे बड़ी बात जो कि स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यूपी स्टेट के लिए नीट पीजी 2020 की फीस स्ट्रक्चर्स, जिसके कम होने का इंतजार सभी कैंडिडेट्स बहुत दिनों से कर रहे थे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई थी, मैंने अपने पहले की वीडियोज में बताया था कि काफ़ी इंडिकेशंस हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि यूपी की फीस कम होने वाली है, मगर ऑफिशियली अभी तक नहीं आई थी। और आज के दिन यूपी स्टेट की जो पीजी नीट पीजी 2020 की फीस स्ट्रक्चर है वो भी ऑफिशियली पब्लिश कर दी गई है। तो देख लेते हैं कि यूपी स्टेट के कौन कौन से कॉलेजेस की रिवाइज फीस स्ट्रक्चर 2020 के लिए क्या क्या है, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी अमाउंट और कॉशन मनी मिसलिनियस चार्जेस हैं वो कितने कितने रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कॉलेजेस, जिन कॉलेजेस की फीस आई है उन कॉलेजेस की फीस सबसे पहले देख लेते हैं। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबांकी की क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की फीस है, क्लिनिकल कोर्सेज की फीस है 24,37,500 रुपीज़। पैथोलॉजी की फीस है 13,12,500 रुपीज़। एंड जो नॉन क्लिनिकल में अदर्स ब्रांचेस हैं उनकी फीस है 9,37,500 रुपीज़। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली की फीस स्ट्रक्चर है 22,17,600 रुपीज़। क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस है, नॉन क्लिनिकल में पैथोलॉजी की फीस है 11,94,000 रुपीज़। और पैथोलॉजी के अलावा जो बाकी के नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनकी फीस है 8,52,900 रुपीज़। श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बरेली की क्लिनिकल कोर्सेज की जो फीस है वो है 24,84,000 रुपीज़। पैथोलॉजी की फीस है 13,37,500 रुपीज़। और नॉन क्लिनिकल में अदर कोर्सेस अदर ब्रांचेस की फीस है 9,55,400 रुपीज़। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हापुड़ की क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस है 19,13,600 रुपीज़। पैथोलॉजी की फीस है 10,30,400 रुपीज़। और नॉन क्लिनिकल में पैथोलॉजी के अलावा जो बाकी के ब्रांचेस हैं उनकी फीस है 8,00,000 रुपीज़। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस है 22,71,400 रुपीज़। नॉन क्लिनिकल में पैथोलॉजी की फीस है 12,23,000 रुपीज़। और नॉन क्लिनिकल में अदर ब्रांचेस की फीस है 8,73,600 रुपीज़। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की फीस स्ट्रक्चर है क्लिनिकल ब्रांचेस की 24,02,000 रुपीज़, पैथोलॉजी की 12,92,400 रुपीज़। और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में अदर जो पैथोलॉजी के अलावा जो ब्रांचेस हैं उनकी फीस है 9,23,100 रुपीज़। सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ की फीस स्ट्रक्चर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए 13,36,800 रुपीज़, पैथोलॉजी की है 10,00,000 रुपीज़। और अदर ब्रांचेस जो नॉन क्लिनिकल में जो अदर ब्रांचेस हैं उनकी फीस है 8,00,000 रुपीज़ पर एनम। रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कानपुर की क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस है 14,30,376 रुपीज़ पर एनम। और जो पैथोलॉजी है उसकी फीस स्ट्रक्चर है 11,91,400 रुपीज़ पर एनम। नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में जो अदर ब्रांचेस हैं पैथोलॉजी के अलावा उनके लिए हैं 8,51,000 रुपीज़ पर एनम। टी एस मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ की जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें तो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं नहीं, तो पैथोलॉजी की जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 10,00,000 रुपीज़। और अदर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस स्ट्रक्चर है 8,00,000 पर एनम। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस स्ट्रक्चर है 14,30,376 रुपीज़। नॉन क्लिनिकल में पैथोलॉजी की फीस स्ट्रक्चर है 10,00,000 पर एनम। और अदर ब्रांचेस की नॉन क्लिनिकल की अदर ब्रांचेस की फीस स्ट्रक्चर है 8,00,000 पर एनम। और इसी तरीके से रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हापुड़ की फीस स्ट्रक्चर है 14,30,736 फॉर क्लिनिकल ब्रांचेस। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर की भी सेम है, क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस है 14,30,376, नॉन क्लिनिकल में पैथोलॉजी की फीस है 10,00,000 और अदर ब्रांचेस की फीस है 8,00,000। मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबांकी सेम फीस स्ट्रक्चर है 14,30,376, 10,00,000 फॉर पैथोलॉजी और 8,00,000 पर ऑन एनम फॉर अदर ब्रांचेस इन नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली की भी सेम फीस स्ट्रक्चर है 14,30,376 रुपीज़
फॉर क्लिनिकल ब्रांचेस. इन नॉन क्लिनिकल पैथोलॉजी फीस इज 10 लाख पर एनम, एंड जो नॉन क्लिनिकल में अदर ब्रांचेस हैं उनकी फीस है 8 लाख पर एनम. ये बात हुई पर एनम की ट्यूशन फीस कितनी है सभी कॉलेजेस की, इन कॉलेजेस की. अभी और भी कुछ कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर आनी बाकी है, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी की कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आई हैं, देखते हैं उनकी भी फीस स्ट्रक्चर आनी चाहिए, तो वो भी कुछ देर में रिलीज कर देनी चाहिए. इसके अलावा ट्यूशन फीस के अलावा जो हॉस्टल फीस रहने वाली है वो नॉन एसी सिंगल ऑक्यूपेंसी की जो हॉस्टल चार्जेस रहने वाले हैं वो है 2.5 लाख रुपए पर एनम, 2.50 रुपीज पर एनम. एसी सिंगल ऑक्यूपेंसी की जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 3 लाख पर एनम. नॉन एसी डबल ऑक्यूपेंसी की है 1,75,000 रुपीज पर एनम. एसी डबल ऑक्यूपेंसी की जो चार्जेस है वो है 2,10,000 रुपीज, और मेस चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है, मेस चार्जेस इंक्लूडेड. इसके बाद जो सिक्योरिटी अमाउंट है जो रिफंडेबल होती है, वन टाइम अमाउंट होती है, फर्स्ट ईयर में आपको पे करनी पड़ती है, उसके लिए हॉस्टल लाइब्रेरी लेबोरेटरी अदर जो चार्जेस हैं ऑल सिक्योरिटी चार्जेस इंक्लूडिंग सभी चार्जेस को मिला करके 5 लाख रुपीज जो आपको फर्स्ट ईयर में वन टाइम अमाउंट पे करनी है. उसमें आपके सभी जो लाइब्रेरी की चार्जेस और अदर चार्जेस हैं, हॉस्पिटल चार्जेस और अदर चार्जेस हैं, वो सारे चार्जेस इंक्लूड करके 5 लाख पर एनम 5 लाख फर्स्ट ईयर में आपको देनी है, और वो रिफंडेबल होती है, बाद में आपको रिफंड कर दिया जाएगा. मिसलिनियस 1,20,000 रुपीज के मिसलिनियस चार्जेस रखे गए हैं पर ईयर जो आपको हर साल देने हैं. ये तो बात हुई कि ऑफिशियली जो फीस स्ट्रक्चर डिक्लेयर की गई है, हॉस्टल फीस क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, सिक्योरिटी अमाउंट कितनी है, और साथ में मिसलिनियस चार्जेस क्या है. अब इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया कि यूपी स्टेट में हिडन चार्जेस भी आप मान के चलो 6-7 लाख रुपए के हिडन चार्जेस भी रहते हैं. जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जिन्होंने करियर मीडिया से सर्विसेज ली हैं उन्हें हिडन चार्जेस को लेकर के बेफिक्र रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए हिडन चार्जेस की जितनी भी जानकारी होगी वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे. उनके लिए सारे हिडन चार्जेस निकाली जा रही हैं और सभी कॉलेजेस की, और उनकी हिडन चार्जेस जो भी कॉलेजेस हैं यूपी की उनकी सारी हिडन चार्जेस हमारे जो पेड मेंबर्स हैं जिन्होंने हमसे पेड सर्विसेज ली हैं उनको उन तक पहुंच जाएगी. बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और अगर आप यूपी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उस कॉलेज जिस भी कॉलेज के लिए आप चाहते हैं उन कॉलेज की हिडन फीस पता कर लेनी चाहिए. अप्रोक्सीमेटली 6-7 लाख हिडन चार्जेस हो सकते हैं किसी भी कॉलेज की यूपी में. तो जो फीस स्ट्रक्चर जब आप इंक्लूड करोगे तो इस फीस स्ट्रक्चर में आपको 6-7 लाख और ऐड करके चलना पड़ सकता है एट द टाइम ऑफ व्हेन यू विल बी टेकिंग योर एडमिशन इन एनी कॉलेज. तो ये तो बात हुई फीस स्ट्रक्चर की. अब बात करते हैं दूसरी बात, और एक नोटिफिकेशन आई है यूपी स्टेट के लिए. रजिस्ट्रेशन करने के दौरान वैसे कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो 3,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन अमाउंट की पेमेंट करनी है उसे पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी पेमेंट डिडक्ट हो जा रही है मगर अपडेट नहीं हो पा रही है. इसे लेकर के यूपी डीजीएमए की तरफ से नोटिफिकेशन भेजी गई है. वैसे सभी कैंडिडेट्स जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जब वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट 3,000 की पे कर रहे थे और उनकी अमाउंट डिडक्ट हो गई मगर अपडेट नहीं हुई, उन सभी कैंडिडेट को एक दिन 24 आवर्स रुकने के लिए कहा गया है. 24 आवर्स में ये जो डिडक्ट अमाउंट जो डिडक्ट हुआ है ये अपडेट हो जाएंगे प्रोफाइल पे. इस अमाउंट के लिए दोबारा से पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जा रही है रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने के बाद, वो अपनी जाकर के आगे नेक्स्ट पेज में जाकर के सिक्योरिटी अमाउंट की भी पेमेंट, जो 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट है या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी अमाउंट है उसकी पेमेंट कर सकते हैं. उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है. मेनली प्रॉब्लम्स आ रही है फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स 3,000 रुपीज की, उसमें प्रॉब्लम आ रही है. तो जिन भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है उनके 3,000 रुपीज डिडक्ट हो गए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को दोबारा से 3,000 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 24 आवर्स में जिनके भी पेमेंट डिडक्ट हुए हैं वो अपडेट हो जाएंगे, और ऐसे में उन्हें थोड़ा वेट करने को कहा गया है. 24 आवर्स के लिए वेट करने को कहा गया. तो आप सभी स्टूडेंट्स जिनके साथ ऐसा हुआ है वो थोड़ा धैर्य रखें, 24 आवर्स के लिए वेट करें.
पॉसिबली 24 आवर्स में आपके जो 3,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो अपडेट हो जानी चाहिए, तो आपको दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन जहां हाजिर हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो फोन कीजिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, जिसमें हम थ्रू आउट काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं आपके साथ, हर एक काउंसलिंग, हर एक राउंड ऑफ काउंसलिंग में, हर एक स्टेट के लिए, DNB के लिए साथ में रहते हैं, और आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो पूरी फुल गाइडेंस हम थ्रू आउट द काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या अगर आप करियर मीडिया से काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।